आज मम्मी पापा आ रहे हैं तो आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सारी गिनते जाएंगे। इस समय टाइम की कीमत पता चल रही है। मम्मी पापा भी आ गए। अम्मा ज्यादा सोते आ रही सोम में रोते बाजना खूब खीर खाए गई। हेलो, राम राम जी, नमस्ते। और साहब कैसे हो जी? ऐसा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी इस समय मैं किचन की छत पर बैठा हुआ हूँ, ये देखिए। और ये जो चौका कल चढ़ा के गए थे ना, तो इनको अभी सेट करना है। तो जैसे वो सरिया है वो नवाए और बाकी का जो काम है इनको सेट करके मसाला वगैरह लगवाना है, बस उसी काम में हम सुबह सुबह जुट गए हैं। आज है 24 जून, सुबह के बज रहे हैं इस समय 7। सोनी के भैया जी देखो उधर छत पे मतलब चौका को सेट कर रहे हैं। और आज परिवार भरा भरा सा लग रहा है, आज अच्छा भी लग रहा है और कल और भी अच्छा लगेगा। कल आपको देखने को मिलेंगे। हमारे मम्मी पापा जी वापस आ रहे हैं, उनका कॉल आया था, बहुत अच्छा लगा सभी को। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कब आ जाए। सुबह आरती चावल साफ करने में लग गई सुबह सुबह। बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। विवेक नालिया, अंजू भी नाले, आज स्कूल जाएंगे। विवेक बाबू पूजा कर रहे हैं अभी। योग सुन ले लो, पूजा कर लो, फिर जाना स्कूल। और सोनी आज बनाने बैठ गई कढ़ी है। पुआ की कढ़ी बना रही, बत्ता की कढ़ी बना रही है। कौन सी तू का की बना रही है? अम्मा गर्मी लग रही है आज, बिजना पकड़ के बैठेंगी सभी सवेरे। गर्मी भरी पंखा चला लेते हाँ तो रही लाइट चल गया। आज मम्मी पापा आ रहे हैं तो अम्मा भी इंतजार कर रही हैं। अम्मा रात से वो कई बार बोला कै बजे तक आ जाएंगे, दोपहर तक आ जाएंगे, और अम्मा तो इंतजार कर ही रही हैं। चलो आप सभी को आशीर्वाद दिलवाते हैं। आशीर्वाद दे दो समझ। राम राम कल कमेंट भी आ रहे थे कि अम्मा के पैर आ गए। लो आशीर्वाद मिल गया। चलिए अभी हम आज बहुत सारा काम है जो छत पे चौका वगैरह उनको सेट करना है, उनकी मुड़गेली होगी तो ऐसे करके बहुत सारा काम है। अभी सुबह सुबह मैं करवा देता हूँ, उसके बाद में वो करते रहेंगे। कैसी समुद्र की सी कदक पर रहे हैं, लहर उठ रही है, लहर है। तो ये पुआ वाली कड़ी बन रही है, अभी पुआ डाल दी कड़ी के अंदर। और ये देखिए पुआ, ये का नाश्ता ही कौन निकाल रहे हैं? अलग अच्छी अंदर डलेंगे। तो आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आज से स्कूल चालू हो गए। कुछ मन लगा के पढ़ियो है सही से, तो फिर मन लगाया पढ़ी अच्छे थे, बढ़िया नंबर आने चाहिए। जा साल साइकिल से जाएंगे, अभी एक ही साइकिल से जाते हैं तीनों, क्योंकि एक साइकिल तो हमारी चोरी हो गई थी बच्चों की, अब एक ही साइकिल है। दोनों पीछे बैठ जाएंगे, दो बन जाएंगे। बैग आगे रख लेती अंजी, आप सही नहीं बन पावेंगे फिर बैग ते गिर मन जाइए। सही थे बैठ जा, तीनों एक ही साइकिल से चले जाते हैं फिलहाल। अभी तो दोनों अंजी और विवेक दोनों बैठ जाते हैं उसी पे, योगेश चला के ले जाता है। ये देखो दोस्तों, आज का वीडियो इसीलिए अपलोड नहीं हुआ, मतलब आज हम बता रहे हैं तो कल का वीडियो लेट आया ना, शाम को आया 6 बजे। आज ये पूरा मतलब इसका सेटिंग में लगे हुए हैं, ये चौका वगैरह भी में, तो इधर के भी सेट कर दिए और किचन के भी सेट हो गए। किचन में थोड़ा सा काम बचा है काट पीट का, और कमरा का तो सेट कर दिया। अभी इसमें मसाला लग रहा है कमरे वाली छत पे, अभी मसाला लगा रहे हैं, देखो कैसे निकल रहा है। इस समय टाइम की कीमत पता चल रही है, एक एक मिनट भारी पड़ रही है, एक एक मिनट टाइम का पता नहीं चलता कब निकल जाता है टाइम। अब ये सोचते हैं कि थोड़ा टाइम और मिले, थोड़ा टाइम और मिले, और टाइम तो अपने हिसाब से चलेगा। सोनी नीचे लगी है अपनी साफ सफाई में, छारा जोरी में पूरा ये जीना को झार के गई है। अभी ये रोजाना गंदा हो जाता है ना, रेत मिट्टी लाते हैं तो नीचे से। हर हर महादेव। उसको अभी चलते हैं बच्चों के स्कूल, और हिमांशु गया है आज पहली बार स्कूल,
वो रो रहा है, स्कूल से कॉल आ रहा है, मास्टर का बोल रहे हैं कि बच्चे को ले जाओ, बहुत ज़्यादा रो रहा है। पहले एक बार चुप करवा दिया, फिर दूसरी बार फिर से रोने लग गया है वो, तो उसको लेने के लिए चलता हूँ अभी। ये आ गए हम योगेश विवेक के स्कूल में, और ये रहे हमारे मानसू राजा जो रो रहे थे। अरे बेटा कहाँ परेशानी, स्कूल में बैठो, भैया संग आ जाओ तो हैं ना, ने अब कल पढ़े आ जाओ, कल आएगा पढ़ने के लिए, लेकिन आज जा रहा है ना। मम्मी पापा भी आ गए, मम्मी को चलो नहीं पड़ रहा होगा, हिमांशु लाइव चला गया हूँ मैं, हिमांशु रह रहा होता ही स्कूल में चला गया आज। मैंने की गल चलो अम्मा ज्यादा सोते आ रही सो मैं रो तो बस दवाई रखी है, एक चाह खाई है बस, दवाई ना खाई बस, सोते करते रहते थे। मम्मी पापा जी इतने दिन के बाद आए ना, तो अम्मा को याद आती थी, हम सबको ही याद आती थी, लेकिन अम्मा देखकर भावुक हो उठी और रोने लग गईं, और अम्मा रोने लग गईं तो फिर सबकी आंखों में आंसू आ गए। पापा भी, वो भी एकदम भावुक हो गए थे। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, वैसे तो 2 महीने के लिए ही गए थे पापा जी, 2 महीने बाद आए हैं आज। पानी पियो पहले। हाँ उल्लू बनाए रहे जो कह रहा हूँ। गर्मी के मारे हालत खराब, इसीलिए कपड़े उतार के रख दिए, लाइट भाग गई है। ले अपनी मम्मी दे यो, यो कह अम्मा बाबा लेके आए, बैठो तेरी अम्मा बैठो, बैठो पहले मत कहियो, नहीं जामुन अच्छी नहीं लगाई, फिर फीकी फीकी लगाई। अरे चिप्स वो खा रहे हैं, चिप्स भी लेकर आए पापा जी, तो बिचना लग रही, खा के देखियो, खा के देख लगी मिर्च, चिरपुरी ना लग रही, जामुन खा लीजिए, जामुन भी लेकर आए, काले काले बहुत बढ़िया। अचार डल गया, तो आम का अचार डल गया दोस्तों, ये देखिए कितना मस्त बढ़िया खुशबू आ रही है, गजब। अभी इसको हम ये वाले डब्बे में डाल के फिर डालेंगे इसमें सरसों का तेल, सॉरी अभी पूरा मसाले वगैरह में अच्छे से डाल के इसको भी रखा है। कितने देर रखते हैं ऐसे मसाले में डाल के, जो थोड़ा हो जाए थोड़े थोड़े, तो फिर भी कितने देर रखेंगे, कैसा लग रहा है दोस्तों बताना कमेंट में, आम का अचार आया मुंह में पानी, वीडियो लाइक कर दो। अभी लाइट भी आज तो ज़्यादा कट रही है, लेकिन वो तो बढ़िया है कि हवा चल रही है। अरे मानव कहाँ देख रहा वीडियो, मम्मी अम्मा सो रही हैं दोनों, अम्मा गर्मी लग रही है, खिड़की खोलो, अभी अंजू आ गई स्कूल से, विवेक वो रहा रोड पे, आधे रास्ते में अंजू को छोड़ के गया, फिर विवेक को लेने गया, अभी आ गए तीनों बच्चे, एक ही साइकिल से ऐसे ही करना पड़ता है कभी कभी। अभी हमारी छत बन रही है दोस्तों, तो छत के लिए अभी यहाँ पे मसाला आएगा, रेत भी आएगा, और यहाँ पे आएंगे ईंट के रोरा, यानी टूटी हुई ईंट, तो इसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमको छत पर। और हवा तो बहुत ही तेज़ चल रही है, आवाज़ भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रही ढंग से, हवा बहुत तेज़ चल रही है छत पे, ऐसी हवा लगा करेगी, देखो कितनी तेज़ हवा चलती है छत के ऊपर। अभी दूसरी मंजिल के ऊपर है, यहाँ से पूरा देखो पूरे हमारे जो कॉलोनी है सभी के मकान दिख रहे हैं यहाँ से, देख सकते हैं कितना बढ़िया लोकेशन, कितना बढ़िया नज़ारा, ऐसे ही मिला करेगा हवा, वो बढ़िया बढ़िया। अभी हमने ये यहाँ पर रेत डाली है ना वाली, उसको बिछाएंगे, उसके बाद ईंट बिछाएंगे इसके ऊपर, छत हो जाएगी। और हमारे पड़ोसियों की भी छत हो गई जीना वाली, अभी छत पे हम रेत फैला रहे हैं, और रेत फैल जाएगा उसके बाद में फिर रोड़ा बिछाएंगे।
और यहीं से ट्रेन, देखो ट्रेन का व्यू कितना मस्त आ रहा है। ये आगरा के लिए जा रही है, आगरा जाकर रुकेगी अभी। अब पूरे साल के लिए हम आम का अचार डालेंगे। अभी पहले तो कटिंग करेंगे, कटिंग करना है इसका बहुत मेहनत का काम है। अभी ऐसी ऐसे ही तो हमारा ऐसिया बहुत पहना रहता है, अब इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। बरहमा आम बनाएंगे, बरहमा आम। जीबा आम तो पीरो सो है मीठ हो भाई। आम खरीद के लाते हैं, उसमें से आधे आम तो ऐसे ही निकल जाते हैं गड़बड़ खराब से, आधे आम सही निकलते हैं। और ये वाला आम निकला एकदम बढ़िया, ऐसे आम होने चाहिए अचार डालने के लिए। इनकी गुठली निकाल देंगे। काले बिटो भैया आम, ओ भैया आम लेगी, आम खाओगी? आम खाऊंगी तो ले ले मीठा लो, आम खा लो। बाहर तमिलनाडु गई तो ना मैंने खिलो और चम्मच से पने मैंने पका ले, चम्मच से खा ले। हां अभी अज्जे हम भी खाओ खाए सारे चम्मच पे। हां जाके नहीं आ भैया, ये वैसे ही दिखे जाएंगे। ओके हम तू मत काटो भैया, भैया काट लो रहने दे। ले ले ओके हम यार बाद ना खूब खीर खाए गई जेक के चम्मच से पीट पीट कर लगी। कैसा मुख रही खाइयो, खा लो खाए। कैसा लग रहा है? कैसा है? हमारी मम्मी आते ही अभी देखो अचार डालने के लिए बैठ गई हैं। राम राम सुनने को तो हाँ बहुत दिन पीछे राम राम कर रहे हैं। और पापा जी सबन को राम राम भाई, घर पे आ गए हम तो बाहर काम कर कर गए। चलो अभी सब ही आ गए। आज हमारी अम्मा भी खुश हो गई। ज्यादा मत कहिए, आंखें आ जाएंगे काम बनते हो, खट्टे खाएंगे तो। अभी देखो हमारा पूरा परिवार एक साथ, बहुत अच्छा लग रहा है आज। आप सब बताना आप सभी को कैसा लग रहा है। जीना के ऊपर से कोई सामान लेके जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, और जो नसैनी है सीढ़ी इससे लेके जाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है और काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं, घुटने बोल जाते हैं। अब नहीं हो रहा दोस्तों, अभी इसको हमको पूरा अच्छे से तलाई करना है क्योंकि छत होने के बाद प्लास्टर होगा, तो प्लास्टर के लिए एकदम से दीवार गीली होनी चाहिए, जब प्लास्टर अच्छे से होगा। आज मेहनत भी बहुत हो गई, आज भी पूरा छत पर ईंट डाला रेत डाला लगे ही नहीं। दोस्तों अभी खाना पीना खा के फ्री हो गए, इस समय 9:15 बज गए। चले अभी मम्मी पापा के पास बैठते हैं थोड़ी बहुत देर, उसके बाद करेंगे आराम। सो अम्मा अब तो बहुत देर रहेगी बैठे बैठे, 9:30 बज गए। दोस्तों बहुत देर से हम सभी लोग बैठे हुए थे और पूरा परिवार एक साथ बैठे, बहुत सारी बातें हुई। उधर तो कभी कभी लाइट भी जा रही थी, तो ऐसे ही गर्मी की वजह से बाहर ही सभी लोग बैठे, और काफ़ी अच्छा लगा आज पूरा परिवार एक साथ देखकर। बहुत अच्छा लग रहा है, भरा भरा परिवार लग रहा है। बस यही तो सभी लोग चाहते हैं कि परिवार भरा रहे, सब खुश रहे। और अम्मा का तो आपने देखा ही कि अम्मा कितनी भावुक हो गई थी। और अब काफ़ी रात हो गई, तो अब कल मिलेंगे आपसे, कल बातें करेंगे ढेर सारी। और आप सभी को आज का हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा बताना, कमेंट पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो, जब तक के लिए राम राम दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।